हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं हम NIOS क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से नोट्स और चैप्टर वन कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। हम चैप्टर वन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हम इनपुट डिवाइस तक कवर करेंगे, पार्ट टू में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पार्ट टू पार्ट वन में हमने इस वजह से डिवाइड कर रखा है क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंथी है और एक बार में सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है सारी चीज़ें क्रैश कर जाए आपके दिमाग में और कुछ ढंग से समझ में ना आए, तो इस वजह से मैंने पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड कर दिया है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही इसका पार्ट टू अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल के इस चैप्टर के नोट्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हो सकता है सारे सब्जेक्ट में आपको ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कवर करने की, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करना। इसी वजह से मैंने अपना चैनल खोला और आप लोगों, वरना मैं CBSE की वीडियो बना रहा था, मैंने NIOS की इसी वजह से स्टार्ट करी क्योंकि मेरे को पता है NIOS के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उनके पास ना प्रॉपर ट्यूशन अवेलेबल हो पाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको क्लास दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर वन। तो जो जो चैप्टर मेरे से हो पाएंगे वो मैं करवाऊंगा, सॉरी जो जो सब्जेक्ट मेरे से हो पाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट मेक्स एन इनपुट प्रोसेस इट टू द डिज़ायर्ड आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको आप कुछ इनपुट दोगे और वो आपको एक आउटपुट डिज़ायर्ड, जो आपको आउटपुट चाहिए हो वो आउटपुट आपको देगा। तो एवरी कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हर कंप्यूटर जो है उसमें एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। हार्डवेयर बेसिकली क्या बोल सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो हार्डवेयर आपका वो चीज़ होगा जो जिसको आप फिज़िकली टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर क्या होगा जिसको आप टच नहीं कर सकते। जो जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह हो गया हमारा, वो होता है सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम वगैरह हो गया। जैसे आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आपका फ़ोन क्या है, एक हार्डवेयर है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर में एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट वी कैन टच दीज पार्ट्स। These parts are the primary electronic device used to build up the computer. Example of hardware is computer are the processor, memory devices, monitor, printer, keyboard, mouses and central processing unit. तो इसके example दे रखे, memory device, monitor हो गया हमारा, CPU हो गया, keyboard, mouse, ये इसके example हो जाते हैं। अब software में क्या हो जाता है हमारा, software is a collection of instruction, procedures and document that perform different tasks on a computer system, कि एक हम collection बोल सकते हैं कि collection होता है instructions का। instruction basically क्या होते हैं, instruction जो भी हम command देते हैं अपना काम करवाने के लिए उसको हम instructions बोलते हैं। तो instruction जो भी हम उसको देंगे अपना काम करवाने के लिए किसी software के द्वारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, software कहते हैं। अपना काम करवाने के लिए किसी को computer में अगर हम command देते हैं, instruction देते हैं, तो उसी को हम software कहते हैं। तो we can say also कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्रामिंग कोड एक्सिक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर प्रोसेसर, कि कंप्यूटर प्रोसेसर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया जाता है। द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड और द कोड रिटन फॉर अ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक मशीन लेवल कोड हो सकता है या फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, SQL हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए सॉफ्टवेयर के। इससे पहले मैंने भी आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आपको फटाफट रिप्लाई मिलता है। आप भी जानते होगे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होगे और अगर हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर रखा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को करवाने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आ जाता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप पहले उसको इनपुट दोगे, ठीक है, इनपुट दोगे तो कहाँ जाएगा, CPU में। अब CPU में तीन चीज़ें होती हैं हमारी, कंट्रोल यूनिट, ALU जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा डाटा हमारा प्रोसेस होता है और उसके बाद वो हमें आउटपुट दे देता है जो हमें चाहिए हो, ठीक है। तो ये तो था कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, आप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप देखो एक्सप्लेनेशन कर रखा है पूरा का पूरा। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू फोर फंक्शन और स्टेप्स, कि चार स्टेप्स में इसको बांट रखा है। जैसे रिसीव इनपुट, यानी रिसीव इनपुट को रिसीव करेगा, आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दोगे। एक्सेप्ट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स, कि यूज़र जो है उसको इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन डाटा जो भी है वो देगा। थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अपने लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ कि ऐसे काम करना है, तो वो मेरे को डिज़ायर्ड इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर का काम हुआ, वर्किंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने की सिलेक्ट करा, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करा, तो उससे क्या हुआ, मैंने उसको माउस के थ्रू कमांड दिया, ठीक है। वो अब अंदर जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझ में आया हाँ क्या करना है, लाइन खींचनी है, लाइन ड्रैग करनी है रेड कलर की, तो उसने क्या करा, मेरे को डिज़ायर्ड मेरा इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, तो इन परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों डाटा ये परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल आपको भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। स्टोर इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन मेमोरी यूनिट में क्या होगा, डाटा जो है आपका स्टोर हो जाता है। डाटा कैसे स्टोर होगा, जैसे आप कोई भी चीज़ इसमें डाल रहे हो, जैसे मैंने ये PDF डाल रखा है, इसमें कमांड दिया था, ये जो जो मैं खींचे जा रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो क्या हो रही है, इसमें स्टोर होती जा रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, जब तक मैं इसको सेव ना करूँ, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, जब तक मैं इसको रिफ्रेश ना करूँ। रिफ्रेश करूँगा तो ये सारा का सारा हट जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ स्टोर करता है, ये हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, काफ़ी सारे स्टोरिंग डिवाइसेस आती हैं। अब तो खैर फ़ोन वगैरह में भी आपने देखा होगा, फ़ोन में भी इंटरनल स्टोरेज इतना ज़्यादा आ जाता है, वरना पहले क्या करते थे, हम SD कार्ड लगाया करते थे, ठीक है। तो वो होती है मेमोरी, स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब प्रोड्यूस आउटपुट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्या कहते हैं, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल आउटपुट डिवाइसेज लाइक मोनिटर, प्रिंटर। अब कैसे आउटपुट देगा आपको, या तो मोनिटर पे देगा या प्रिंटर में देगा। जैसे मेरा मोनिटर की स्क्रीन पे दे रहा है, मैंने लैपटॉप में चला रखा है, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है। मैं यहाँ से इसको कमांड दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, वो अंदर जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेस करके मेरे को आउटपुट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो हार्डवेयर बेसिकली दो टाइप के दे रखे हैं यहाँ पे। एक तो था प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग हार्डवेयर कह सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस। तो क्या होते हैं ये दोनों, अब बेसिकली इनको समझ लेते हैं। तो देखो प्रोसेसिंग हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर में क्या होगा कि जहाँ पे आपका डाटा जो है, आपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, वो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है प्रोसेसिंग यूनिट। और पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती है जिनके थ्रू आप कमांड वगैरह देते हो, वो होती है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा विद यूजिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। CPU इज़ द प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। देखो इसके थ्रू डाटा हम देते हैं, इसमें डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग, देखो सीधा लिखा हुआ है, इसके नाम में ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि प्रोसेसिंग हार्डवेयर, कि क्या करता है ये, डाटा जो लेता है, हम इसको इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस कर रहा है, इसका काम होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है हमारी, CPU। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। देखो पेरिफेरल डिवाइसेस, अ पेरिफेरल डिवाइसेस एनी ऑक्सिलरी डिवाइस दैट कनेक्ट टू एंड वर्क विद द कंप्यूटर टू आइदर पुट इन्फॉर्मेशन इनटू इट और गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। मतलब कि हमसे वो कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर को, यानी कि हम जो इसको इनपुट देते हैं उससे वो कनेक्ट करके रहता है पेरिफेरल डिवाइसेस, और इसको इन्फॉर्मेशन देता है और हमें हेल्प करता है कि हम उसे कुछ कमांड दे सके या उससे कुछ आउटपुट ले सके। तो इसमें हमारा हेल्प करता है क्या, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, कौन सी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। जैसे मैं माउस के थ्रू कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने ये जो PDF तैयार करा वो कैसे करा होगा, टाइप करके करा होगा, तो वो क्या होता है हमारा, कीबोर्ड के थ्रू मैंने इसको इनपुट दिया, ठीक है। अब मेरे को प्रिंट आउट चाहिए होगा तो मैं प्रिंटर का यूज़ करूँगा, तो वो क्या होगा हमारा, पेरिफेरल डिवाइस में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको कंपोनेंट, चार कंपोनेंट होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये रहा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती है कंप्यूटर में मेन, इसके कंपोनेंट भी आते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस हम
जिसके थ्रू इसको कमांड देते हैं, जैसे हमारा माउस कीबोर्ड हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू हो गया, मेमोरी बताया मैंने, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारे हमारी मेमोरी हो जाएंगी। आउटपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू आउटपुट निकलते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया हमारा, मॉनिटर स्क्रीन हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो देखो आप इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, उतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब क्या होते हैं ये भी समझना, डेफिनेशन भी प्रॉपर आनी चाहिए, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दीज आर द डिवाइसेज दैट आर यूज टू एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। तो ये वो डिवाइसेज होती है जो यूज़र से एक्सेप्ट करती है डाटा वगैरह, डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम उसको उसके थ्रू देते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइसेस क्या होती है, हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, दिस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज इट कंट्रोल द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। तो सारा का सारा जो कंप्यूटर का काम होता है यहीं पे होता है। आपको अगर एक सीपीयू ख़राब हो गया तो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका अगर मॉनिटर भी ठीक होगा ना तब भी नहीं चलेगा। तो वैसे तो बेसिकली जो चारों के चारों पार्ट में से एक भी ख़राब हो जाएगा तो आप कोई सा भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है और सीपीयू है, लेकिन अगर आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। इनमें से एक की भी कमी आप की हेल्प नहीं कर सकते। देखो, मेमोरी तो पहले से कंप्यूटर में आती है, अगर वो निकाल दोगे तो डाटा स्टोर कहाँ होगा, आप कमांड वमांड दोगे तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा उसमें, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आउटपुट डिवाइस, जब आप इनपुट कितना भी दे लो प्रोसेस हो जाएगा, मेमोरी में स्टोर भी हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कहाँ उसको, जब आपके पास ना कंप्यूटर स्क्रीन होगी ना प्रिंटर होगा, देखोगे किसके थ्रू, ठीक है। तो ये सारी सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है सीपीयू का, क्योंकि वो डाटा, पूरे डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी हम उसको कमांड देते हैं उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट देता है, ठीक है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन दिस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। अब बताया मैंने, डाटा कहाँ स्टोर होता है, हमारा मेमोरी में होता है, जैसे हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, दीज आर द इनपुट डैट आर यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। तो ये वो डिवाइस होती है जिनके थ्रू हम जो आउटपुट चाहिए होता है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इसके थ्रू मिलती है। तो आपको ये सारा का सारा जो दिख रहा है आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो क्या है, आपका एक इनपुट है, आपने आउटपुट है, आपने कमांड दिया उसको, कीबोर्ड से टाइप करा होगा अपने फ़ोन के कीबोर्ड से टाइप करा होगा कि एडुसेंटर दिल्ली कंप्यूटर साइंस नोट्स। तो आप सर्च मारोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, एडो सेंटर सर्च मारोगे तो क्या होगा, वो एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा। जब आप मेरे चैनल से सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो वो अंदर क्या, उसके अंदर भी सीपीयू होता है। देखो, मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, उसके अंदर आपने कमांड दिया उसको तो सीपीयू अंदर जाके प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आपके सामने रिजल्ट निकाल के देगा जितने भी उससे रिलेटेड होंगे। मेरे चैनल का नाम आ जाएगा, दो तीन और आ जाएंगे एडो सेंटर करके, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आउटपुट होता है, डिज़ायर्ड आउटपुट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा इनपुट डिवाइस वाला टॉपिक। देखो, एन इनपुट डिवाइस, अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किस वजह से कर रखा है। अब मान लो 2 मार्क्स का आएगा तो सिंपल आप ऊपर वाली लाइन लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा नंबर का आ जाता है, मान लीजिए 3 नंबर का, 4 नंबर का आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो, एन इनपुट डिवाइस इज यूज टू गेट डाटा इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द यूज़र। दिस डाटा इज देन पास्ड ऑन टू CPU for processing so as to produce the desired result. Although keyboard and mouse are the 2 common input devices, other devices such as optical character recognition, magnetic ink character and mark sense reader are also used as per our requirement. तो ये सारे के सारे, इतने सारे आप एग्जांपल दे रखे हैं, बेसिकली 2 कॉमन हमारे होते हैं, एक कीबोर्ड और एक माउस, इन दोनों का तो हर जगह यूज़ होता ही होता है, इनके बिना तो बिल्कुल मुश्किल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, देखो ये QWERTY कीबोर्ड विद 104 कीज ऑन इट, कि QWERTY कीबोर्ड पे 104 कीज होती हैं, ये MCQ में आया हुआ था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। कितने कीज होती हैं इनमें, तो ये वाला आंसर आपको याद रख लेना है। इस वजह से मैंने मेनली इसको हाईलाइट कर दिया पहले ही, पूरा कीबोर्ड एक्सप्लेन करने से पहले कि इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो, द कीबोर्ड इज़ वेरी मच लाइक अ स्टैंडर्ड टाइपराइटर विद अ फ्यू एडिशनल कीज। जनरली वी फाइंड्स अ Q
QWERTY कीबोर्ड की ज़्यादातर हम ये वाला QWERTY वाला फाइंड करते हैं। देखो अपने आप अपने फ़ोन देखा होगा जब आप फ़ोन खोलोगे, ठीक है, तो कीबोर्ड जब खोलोगे उसका तो स्टार्टिंग में आपको आपके लेफ्ट साइड से QWERTY वाले कीज़ होंगे। उसको चेंज करने का ये ऑप्शन आता है, तीन टाइप में हो जाते हैं वो बेसिकली, ठीक है। तो वो टाइप्स मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। द एडिशनल कीज़ मे बी इंक्लूडेड इन मॉडर्न मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इसमें कीबोर्ड में क्या बोला कि कीबोर्ड एक टाइप का टाइपराइटर ही होता है, टाइपराइटर जो पहले चला करते थे टाइपराइटर होता है। बस फर्क इतना होता है कीबोर्ड में कि कुछ एडिशनल कीज़ ऐड हो जाती है इसमें, थोड़ी बहुत एडिशनल कीज़ आ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी आपको कीबोर्ड की कि किस टाइप का कीबोर्ड होता है, वैसे तो आपने देखा ही होगा लेकिन फिर भी मैंने इमेजेस सारे जितने भी मैंने एक्सप्लेन करे सबकी इमेजेस डाल दिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपने देखी नहीं होंगी, तो खाली उनकी पिक्चर लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पे आ गया माउस, ठीक है। देखो आप माउस को पढ़ना, माउस से तो आपको भी पता है मेनली माउस का क्या यूज़ होता है, कर्सर हिलाने के लिए पॉइंटर का यूज़ होता है, सिलेक्ट करनी हो कोई भी चीज़ उसके लिए यूज़ होता है। देखो माउस इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखो इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। इट इज़ अनदर वेरी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, कि ये भी एक दूसरा कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस इज़ हैंडहेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस डैट कंट्रोल्स अ कर्सर इन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी जो आ रही हैं उनको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, डार्क कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, इसको लिख लेना आप एक कॉपी में नोट कर लेना GUI, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स आएंगी आगे भी, और भी फुल फॉर्म्स है जैसे ALU हो गया, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो ऐसी और भी फुल फॉर्म्स आएंगी, वो सारी की सारी मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, आपको वो याद कर लेनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर पॉइंटिंग मूविंग एंड सिलेक्टिंग टेक्स्ट आइकन्स फाइल्स फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर्स। तो देखो एक कर्सर की तरह यूज़ होता है, कर्सर के एज ए कर्सर यूज़ होता है, आपको कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस हो, किसी को भी पॉइंट आउट करना हो तो उस पर सिलेक्ट करोगे आप, उसके लिए काम आता है। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, उसके लिए मेरा यूज़ हो रही है। और भी मेरे को कोई भी फोल्डर खोलना हो तो मैं क्या करूँगा, उस पर डबल क्लिक करूँगा वो फोल्डर खुल जाएगा। तो किस लिए काम होता है हमारा, बेसिकली कर्सर वर्सर चलाने के लिए काम होता है, क्योंकि इसमें तो टच स्क्रीन तो ये है नहीं, हमारे फ़ोन में तो टच स्क्रीन होता है, आराम से उंगली से स्क्रॉल कर लेते हैं हम, लेकिन इसमें तो स्क्रॉल नहीं हो सकता। इसमें बेसिकली तीन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो तीन कीज़ होती है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और बीच में हमारी बॉल होती है जो ऊपर नीचे ड्रैग करने के काम आती है हमारे। आगे क्या लिखा है, इन एडिशन ऑफ दिस फंक्शन अ माउस कैन बी यूज टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स एंड गिव यू एक्सेस टू द राइट क्लिक मेन्यू। अब क्या कह रहा है कि किस इसके अलावा ये किसके लिए यूज़ होता है, कि किसी चीज़ को यहाँ से क्लिक करके मैं यूँ करके ले आऊँ, ठीक है, तो इसलिए भी ये यूज़ होता है। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इसलिए भी ये यूज़ होता है। अब थर्ड वाला आ जाता है हमारा, अब देखो यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी माउस की इमेज, थर्ड वाला आ जाता है हमारा स्कैनर। स्कैनर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स पेजेस ऑफ टेक्स्ट। व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज स्कैंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट, दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड एडिटेड ऑन अ कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, कोई भी इमेजेस वगैरह होगी, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसको स्कैन करेगा और उसको एक डिजिटल फॉर्मेट डाल देगा, जहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर उसमें कुछ भी एडिट वगैरह भी करना हो तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी को भेजना हो, यहाँ से मेल करना हो, तो भी आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करोगे, आप फोटो खींचोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इससे बढ़िया स्कैनर में डाला, स्कैन किया और मेल कर दिया तुरंत, ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है स्कैनर। वैसे फ़ोन तो इजी रहेगा, फ़ोन अब आ गए हैं, वरना पहले स्कैनर ही ज़्यादा यूज़ होता था। अब आ जाता है हमारा फोर्थ वाला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो इसमें एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR है और एक होगा हमारा OMR, तो दोनों को ध्यान से समझना। उसके बाद मैंने इन दोनों में एक में डिफरेंस भी डाल दिया है, दोनों बिल्कुल सिमिलर ही है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में बस। देखो अब ध्यान से सुनना, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम पेपर एंड ट्रांसलेटिंग द इमेज इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये क्या करता है, टेक्स्ट को रीड करता है, ठीक है। अब देखो गूगल पे आपको फोटो खींचने का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप गूगल लेंस वाला ऑप्शन जो होता है उसे क्या करते हैं, फोटो क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है OCR का, ऑप्टिकल
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है। इससे क्या करोगे, आप फोटो क्लिक करोगे, उसके थ्रू वर्ड्स को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यही काम होता है, एक फ़ोटो वगैरह हो गया, बुक में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट तो कर नहीं सकते, तो उसके थ्रू सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है। अब देखो, एन ओ सी आर इज़ यूज टू कन्वर्ट बुक्स मैगजीन सच एज सच प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, कि इन्हीं सारी डिजिटल इन सारी बुक्स को वो डिजिटल फॉर्म करने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मैं हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसकी इमेज भी, ये आपने नहीं देखा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये बुक के ऊपर इसको ड्रैग कर रहा और इन वर्ड को जो है स्कैन कर रहा है, ठीक है। ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब आ जाता है MICR, तो ये सारी फुल फॉर्म आपको याद भी रखनी है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। अब ये क्या करता है, अब इसको भी पढ़ लो। एन MICR कैन आइडेंटिफाई करेक्टर्स प्रिंटेड इन अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक, दिस डिवाइस पर्टिकुलरली फाइंड्स एप्लीकेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री द, अभी देखो इंडस्ट्री तक ही बताता हूँ मैं आपको क्या बोल रही है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक वगैरह जो लगी हुई आती है, आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसके पीछे एक ब्लैक सी स्ट्रिप लगी हुई होती है, तो वो होती है मैग्नेटिक इंक, जिसके थ्रू वो जब उस पर आप स्कैन करोगे या स्वाइप करते हो तो क्या होता है, वो उसको रीड कर लेता है। तो यही होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। दिस डिवाइस पर्टिकुलरली फाइंड्स एप्लीकेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो देखो बैंकिंग का मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, डेबिट कार्ड वाला, चेक्स वगैरह भी इससे स्कैन किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन हैव अ यूनिक MICR कोड डैट कैन बी स्कैन बाय MICR डिवाइसेस, कि इसका एक यूनिक कोड होता है जो MICR डिवाइसेस उसको स्कैन कर लेती हैं, हर चेक का अलग अलग होता है। तो ये देखो ये मशीन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है OMR, जो मैंने बताया था OMR और OCR। तो देखो OMR शीट आपको एग्ज़ाम वगैरह में मिलती है, अभी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको मिलेगी, तो OMR क्या काम करता है आप वो बताता हूँ। ये वही है OMR है जो आपको टेंथ में एग्ज़ाम देते टाइम मिली होगी, एक शीट मिलती है आपको जिस पे आपको अपना नाम वगैरह फिल करना होता है, ठीक है। तो ये वही वाली OMR है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिमिलर है उसके, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये मार्क रिकॉग्नाइजेशन है, वो करेक्ट रिकॉग्नाइजेशन था। तो ऑल्सो कॉल्ड मार्क सेंस रीडर इज अ टेक्नोलॉजी वेयर एन OMR डिवाइस सेंसेस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मार्क सच एज पेंसिल, सॉरी सच एज पेंसिल मार्क। अब ये क्या करता है कि आप जो है किसी जगह पे आपने मार्क करा, ठीक है, जब आप नाम लिखते हो तो नाम लिखने के बाद OMR शीट में आप क्या करते हो, सर्कल लगा देते हो, जैसे आपका नाम है सपोज रोहित, ठीक है, आपने लिखा रोहित ROHIT, तो रो आर वाले पे सर्कल लगाओगे, फिर ऊपर वाले ओ पे सर्कल लगाओगे, एच पे सर्कल लगाओगे, आई पे लगाओगे, फिर टी पे लगाओगे, उसको पूरा का पूरा फिल कर देते हो। तो ये OMR क्या करता है, उसी को स्कैन करता है और वो दिखाता है कि उसने कौन सा अल्फ़ाबेट पे टिक करा है, कौन सा अल्फ़ाबेट पे सर्कल बनाया है। तो OMR इज़ वाइडली यूज फॉर एक्सेसिंग ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, बताया मैंने एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब जो हमारे कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होते हैं CSSC वगैरह के, तो उसमें यही यूज़ होती है OMR शीट, जिसमें चार ऑप्शन दे दिया जाता है, अब तो खैर डिजिटली कर दिया गया वो भी कुछ जगह, लेकिन अभी भी OMR शीट में होता है, लेकिन SSC का जो है एग्ज़ाम वो वैसे होता है। देखो अब OMR वाली मशीन भी आपको दिख रही होगी किस तरीके से इसमें ये वर्क करता है, देखो ये शीट भी दिख रही होगी आपको यहाँ पर रखी हुई, दिख रही है ना OMR शीट पिंक कलर की, ऐसी आती है आपकी भी। अब आ जाता है हमारा 7th वाला बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है, बारकोड रीडर आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में गए होगे या मार्ट वगैरह में गए होगे, तो वो पीछे चीज़ों के आप पेन देखोगे आप, जैसे ये मार्कर है मेरा, ठीक है, मार्कर के पीछे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन खींची हुई है, ये स्ट्रिप्स खींची हुई होती हैं। बारकोड क्या करता है, इसी को स्कैन करता है और इसका प्राइस जो है उसको स्क्रीन पे शो कर देता है। तो देखो अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ जनरली सीन इन सुपरमार्केट्स, बुक शॉप्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे लिख दिया सुपरमार्केट्स में, बुक शॉप्स में और लाइब्रेरीज में देखने को मिलता है। अब बारकोड रीडर इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर डैट रीड्स द बार, एक मिनट, दैट रीड्स द बार बारकोड्स वर्टिकली स्ट्राइप्स ब्लैक एंड वाइट मार्क्स प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट कंटेनर्स। ठीक है, मैंने बताया था, अभी दिखाया भी मैंने अपने मार्कर पे आपको, द बारकोड रीडर scans the barcode of the product and check the description
एंड द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेता है कौन सा प्रोडक्ट है और उसका प्राइस कितना है। आपके पेन पे भी लगे होगा, अगर आप पेन देखोगे, बुक्स देखोगे, सब जगह ये स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल एक बिस्किट भी लेकर आओगे ना, तो उस बिस्किट के पीछे भी उसकी स्ट्राइप्स लगी हुई होगी ब्लैक एंड वाइट कलर की। ठीक है, देखो ये रहा है, कुछ देखो डिवाइस दिख रहा होगा आपको, कैसे ये लाइन होती है दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे लाइन खींची हुई है और ये मशीन है, ऐसी होती है बारकोड रीडर। अगर आपने ना देखा हो, वैसे तो आपने देखा होगा। अब एक है डिजिटलाइजिंग टैबलेट। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे टीचर जो है टैबलेट टाइप्स में पढ़ाती हैं, कॉपी टाइप का होता है। नॉर्मल टैबलेट तो देखा ही होगा आपने, इतना बड़ा सा आता है, उस पर पेंसिल की तरह यूज़ होती है एक डिवाइस, उससे अंडरलाइन वगैरह किया जाता है, उंगली से भी हो जाता है, वो अपने ऊपर है। एक परफेक्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, डिजिटल बोर्ड देखा होगा आपने, वो तो खैर थोड़ा अलग हो जाता है, तो वही चीज़ होती है, उसका मॉडर्न फॉर्म होता है आपका, मतलब थोड़ा बड़ा कह सकते हो उसको, ठीक है, बड़ा फॉर्म में होता है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, डिजिटल टैबलेट छोटा होता है उससे बस। तो क्या है, एन इनपुट डिवाइस डैट इनेबल्स यू टू एंटर ड्राइंग एंड स्केचेस इनटू अ कंप्यूटर। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ड्राइंग्स वगैरह, आप ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर के पास आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनको डिज़ाइन बनाना होता है डिजिटल फॉर्म में, तो वो अब कॉपी में बना के उसमें तो बनाएंगे नहीं, कॉपी में बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वो डायरेक्ट उसमें बना सकते हैं, ये लिया सर्कल बनाया, हाँ भाई ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। अब उंगली से बनाना ज़्यादा, उस पेंसिल से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू माउस। अब माउस से बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको भी अपना कभी नाम लिख के देखना माउस से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर आप उससे लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, बड़ा इजीली लिख लोगे। तो इसीलिए ये डिजिटलाइजिंग टैबलेट यूज़ होता है, ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह यूज़ करते हैं इनको। अ डिजिटलाइजिंग टैबलेट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट एंड अ कर्सर और अ पेन। तो मैंने बताया था एक पेन का यूज़ होता है उसमें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इसको पूरा नहीं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है इसमें, तो आपको ये सारा पढ़ लेना है। एज मैंने 16 बटन्स, 16 बटन होते हैं, पेन की तरह ही होता है। देखो आप इसकी इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको डिजिटलाइजिंग टैबलेट, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन किस लिए यूज़ होता है, लाइट पेन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो जो काम आपका डिजिटलाइजिंग टैबलेट कर रहा था सेपरेट खरीद के, उसके जरिए जगह आप लाइट पेन खरीद के आपका खर्चा बचा सकते हो। तो देखो, अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेस अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करता है और हेल्प करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये दिख भी रहा होगा आपको। अब आता है स्पीच इनपुट डिवाइस। अब देखो ये क्या, एक तरीके से हमारा माइक, जैसे मैंने माइक लगा रखा है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैं बोल रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, वो सारा का सारा अंदर जाके प्रोसेस होकर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हुई इनपुट डिवाइस। तो वो अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, स्पीच और डिवाइस, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट अ पर्सनस स्पीच इनटू डिजिटल फॉर्म। तो देखो एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में ही तो कन्वर्ट हो रही है। आपको गूगल माइक मिलता होगा, गूगल माइक रहता है, गूगल माइक में जब आप बोलते हो वो सारा का सारा टाइप होते जाता है, तो क्या होता है, स्पीच इनपुट डिवाइस के थ्रू ही तो होता है। ओ, ओ एक तो मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग होता है, नया लेना पड़ेगा। दीज इनपुट डिवाइसेस व्हेन कंबाइंड विद एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर्म वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स, दीज सिस्टम्स इनेबल्स यूजर टू ऑपरेट माइक्रो कंप्यूटर्स यूजिंग वॉइस कमांड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीच इनपुट डिवाइस। अब देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस डाल दिया है OMR और OCR के बीच में, कि क्या अंतर होता है दोनों के बीच में। देखो, इट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डाटा फ्रॉम प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, ये प्रिंटेड फॉर्म से होता है। इट इज़ यूज्ड इन स्कैनिंग एंड कन्वर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट मार लेना, ये डिफरेंस आपके काम आएगा। बेसिकली जो समझने का था वो समझने की चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो बस आपको बस स्क्रीनशॉट मारना है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा CPU। CPU हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। CPU के बाद जो हमारा आउटपुट डिवाइस आएगा और मेमोरी वाला आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वैसे कोशिश करेंगे इसी में कवर करने की, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो रही है। तो देखो, CPU मैंने बताया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय द CPU। के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो CPU के द्वारा किए जाते हैं। इट हेल्प्स इनपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस।
ये हेल्प करता है, कम्युनिकेट करता है कि यूज़र और इनपुट वगैरह के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, और ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स डाटा विच इज़ इनपुट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन बिटवीन प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आप देखो तीन चीज़ें रखी हमें, एक मेमोरी रजिस्टर है, दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट है, तीसरा हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो रजिस्टर पहले, रजिस्टर इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, सॉरी एक मिनट, अ रजिस्टर इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कि एक कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट चीज़ होती है वो होती है रजिस्टर। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इज़ लोकेटेड इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर विच आर द स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट। कि सबसे छोटा डाटा होल्डिंग एलिमेंट होता है, ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाटा जो है स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर। रजिस्टर टेम्परेरीली होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज डाटा इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर मेमोरी, सॉरी इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस डेट आर टू बी यूज बाय CPU। ठीक है, मेमोरी एड्रेस वगैरह, ये डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, उन सबको स्टोर करके रख लेता है जो भी उनको कमांड देना हो। तो ये सारा स्क्रीनशॉट मार लेना, बाकी आप इतना एक्सप्लेन करने समझाने के लिए काफ़ी है। आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। कि ये जो है कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली पूरा का पूरा जो फंक्शन जो है, CPU हमने बताया था कि CPU कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल कैसे करता है वो प्रोसेस करने के लिए भी सारा कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। पूरा कंट्रोल बना के रखता है कि किस तरीके से प्रोग्राम को फंक्शन करना है, इंस्ट्रक्शन जो मिली है उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। वो जो भी आपको उसको काम दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे, क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा कंट्रोल सिग्नल्स में। ठीक है, अ कंट्रोल यूनिट वर्क इनपुट इन्फॉर्मेशन टू विच इट कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल। कि आप जो भी इसको दोगे काम, उसको क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या है, एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है सिर्फ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट का। इट डज ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन डैट नीड टू बी डन ऑन इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। इन सम माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स द ALU इज डिवाइडेड इंटू अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक यूनिट लिखा हुआ है, मैं अर्थमेटिकल बोल दे रहा हूँ बार बार। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, सारा काम इसका मतलब जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है और जो भी हमारे फंक्शन वगैरह देते हैं वो ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना इसका काम होता है, कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है, और डाटा स्टोर करना किसका काम होता है, मेमोरी रजिस्टर का। ठीक है, तो तीनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका आगे आ जाता है हमारा टॉपिक, कैसे आके CPU वर्क करता है मेमोरी का साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा होगा, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अब यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, वेरियस स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स देख लेना आप, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। द प्रोग्राम टेल्स द यूज़र एंटर फर्स्ट नंबर। कि प्रोग्राम जो है आपको बताएगा यूज़र को कि आपको पहला नंबर डालना है। यूज़र टाइप द फर्स्ट टाइप्स द नंबर 100 ऑन द कीबोर्ड। कि वो कीबोर्ड से नंबर 100 टाइप करेगा। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंड टू द CPU। CPU के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा। द कंट्रोल यूनिट रिकॉग्नाइजेज दिस सिग्नल एंड रूट्स द सिग्नल टू एन एड्रेस इन मेमोरी से एड्रेस 7। तो अब यहाँ पे देखो कुछ एड्रेस बता रहा है, एड्रेस 7, 8। तो छोटे थोड़े बहुत एड्रेस नहीं होते मेमोरी के अंदर, इसके अंदर CPU के अंदर बहुत सारे एड्रेस होते हैं। ठीक है, ये बस जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए बस इतना बता रखा है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू देखना बस इसको। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव इंस्ट्रक्शन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टेल्स द यूज़र एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, अब उसको क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि आप जो है सेकेंड नंबर टाइप करो। द यूज़र टाइप्स द नंबर 4 ऑन द कीबोर्ड। क्योंकि यूज़र क्या करेगा, नंबर 4 उसने टाइप करा। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंट टू द कंप्यूटर CPU। CPU के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 100 टाइप हो रखा है, यहाँ पे 4 टाइप हो रखा है। यहाँ पे दिख रहा होगा एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कंट्रोल यूनिट रिकॉग्नाइजेज द सिग्नल एंड रूट्स इट टू मेमोरी एड्रेस 8। अब इसने क्या करा, मेमोरी एड्रेस 8 पे भेज दिया। द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। इसने क्या बोला कि नेक्स्ट प्रोग्राम मिला कि मल्टीप्लाई
जो है इंस्ट्रक्शन मिली उसको कि मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और सेकंड नंबर को. टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्म्स द ALU दैट टू नंबर आर कमिंग एंड द ALU हैज़ टू मल्टीप्लाई देम. ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा अंदर जाके CPU अंदर काम पहुंचाएगा ALU के पास और बोलेगा कि आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इन दोनों को जो है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके शो करो. द कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट सेंड टू ALU अ कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ एड्रेस 700 एंड एड्रेस 84, कि वो एक कॉपी भेजेगा कि एड्रेस 7 है हमारा 100, एड्रेस 8 है हमारा 4. ALU परफॉर्म्स द मल्टीप्लीकेशन 100 × 4 = 100. ठीक है, वो परफॉर्म करेगा. द कंट्रोल यूनिट सेंड्स अ कॉपी टू द मल्टीप्लाइड रिजल्ट 400 बैक टू मेमोरी टू स्टोर इट इन एड्रेस 9. अब वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको जो है एड्रेस 9 में भेज देगा स्टोर करने के लिए, मेमोरी यूनिट में भेज देगा कि वो स्टोर कर ले. अगर डाटा डिलीट हो जाए तो वो स्टोर करके रखेगा थोड़ी देर अपने अंदर, तभी वो शो कर सकता है, अदरवाइज वो शो नहीं कर पाएगा अगर मेमोरी उसके पास नहीं हुई तो, है ना. नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड प्रिंट द रिजल्ट. नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा हमारा प्रिंट द रिजल्ट. अब जो मल्टीप्लाई करा वो शो होना चाहिए, तो क्या करेगा उसको शो कर देगा. टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट सेंड्स द कंटेंट टू कंटेंट ऑफ द एड्रेस 9 400 टू द मोनीटर. अब वो क्या करेगा, मोनीटर पे शो कर देगा एड्रेस 9 400. मोनीटर डिस्प्लेज द वैल्यू 400. द फाइनल ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट था हमारा, ये 13 पॉइंट था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ से ये 14 पॉइंट था. फाइनल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोग्राम इज एंड. और फाइनल क्या आएगा हमारा, प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया. मॉनिटर पहले पे डिस्प्ले कर देगा 400 और लास्ट में क्या होगा, एग्जीक्यूटेड हो जाएगा और प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा. अब एक चीज़ और, जो आप टाइप करते हो डाटा वो अल्फ़ाबेट में टाइप नहीं होता, वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है. बाइनरी लैंग्वेज में हमारा 0 और 1 होता है. आप जो भी टाइप करते हो वो 0101 में होता है टाइप. आगे जाके शायद आपका चैप्टर होगा, तो अभी मैंने पूरा का पूरा चैप्टर देखे नहीं है कौन कौन से चैप्टर है, तो वो जितने भी चैप्टर होंगे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस में से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि आगे जाओगे तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, तो उसमें जो है ये सब पढ़ाया जाता है कि कैसे आप एक अल्फ़ाबेट ए जो है वो कैसे बनता है, उसका कोड क्या होता है, 001 ऐसे करके क्या होता है, वो सारा उसमें टाइप होता है. तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, पार्ट टू में हम ये हमारी आउटपुट डिवाइस जो है इसको कवर करेंगे और पूरा चैप्टर जो है कवर कर लेंगे उस वाली वीडियो में. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि पार्ट टू का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे.